अगर आप जापान के एनिमे स्टाइल, अमेरिका के डिज्नी स्टाइल और इंडिया के राजा रवि वर्मा पेंटिंग्स को कंबाइन करते हैं तो क्या मिलेगा? ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया था 1992 में युगो साको ने इन द मूवी अर्न रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। युगो साको 1980s में इंडिया आए और द रामायण रिलिक्स डॉक्यूमेंट्री के बारे में वो रिसर्च कर रहे थे। वो इस स्टोरी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक्साइट किया कि इसकी एक मूवी बननी चाहिए वर्ल्ड ऑडियंस के लिए। एट इस चीज के लिए वो जुड़े इंडियन एनिमेशन के गॉडफादर माने जाने वाले राम मोहन जी के साथ। इंडियन आर्ट फॉर्म जैसे कथकली, इनसे इंस्पिरेशन लिया गया। 450 एनिमेटर्स और आर्टिस्ट जापान से जो कि स्टूडियो गिबली में भी काम कर चुके थे, उन लोगों ने 1,20,000 सेल ड्रॉइंग्स बनाई। इस मूवी को बनाने में करीब 50 करोड़ रुपए लगे और 10 साल लगे। आज भी ये मूवी रामायण की बेस्ट मूवी अडेप्टेशन मानी जाती है। ये इस बात का प्रूफ है कि अगर आप पैशन के साथ और सच्चे मन से सही इंटेंशन के साथ कोई काम करें तो दुनिया नोटिस करती है।